जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के पहले ही तीज के बारे में बता दिए थे, क्योंकि इसी के जस्ट बाद बताया जा रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में तीज का ही बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसी कारण आगे ही वीडियो में तीज का बारे में बता दिए है, उसके जस्ट बाद ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव का हिंदी ही होता है पाचन। डाइजेस्टिव का हिंदी होता है क्या? पाचन। और सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम तंत्र होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होता है तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम माने पाचन तंत्र। सिस्टम किसे कहते हैं? बहुत सारा छोटा छोटा चीज मिलकर, यानी बहुत सारा चीज मिलकर जब एक लंग रहता है तो उसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा मतलब पाच उपयोग होता है, तभी डाइजेस्टिव मतलब पाचन होता है, और बहुत सारा मिलकर एथी बनता है तब उसे सिस्टम बोलते हैं। तब इसी को होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारा छोटा छोटा माउस कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, ऐसे बहुत सारा छोटा एथी होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, तब ना उसको बोलते हैं सिस्टम सर, यह कंप्यूटर का सिस्टम सर पूरा। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कब से? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ। माउथ कहने का मतलब, आप कहिएगा से सर डाइजेस्टिव सिस्टम तो हाथ से भी, सबसे पहले तो हाथ से भी रोटी तोड़ा जाता है, चावल उठाया जाता है, तो हाथ से यानी रोटी तोड़ना, रोटी तो बड़ा रहता है ना, तो हाथ से छोटा करने के लिए रोटी को निचोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि क्योंकि छोटा नहीं रहेगा तो हमारे मुंह के मतलब अंदर नहीं जा पाएगा। इसी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हाथ का होता है ना, तो हाथ को नहीं लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो एती एती होगा, जो एती एती रोटी बनेगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से होगा? दांत से होगा। इसीलिए दांत से डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट मतलब किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। चलिए आज दांत वो भी आता है दांत, तो इसी के पहले वीडियो में हम दांत के बारे में बता दिए हैं कि दांत में सबसे एथी होता है कौन सा, पर्ल एनामेल होता है, कौन सा डेंटाइन होता है, कौन सा कहाँ इंसिजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं, ये भी सब अगर ये सब बता दिए हैं। अगर पिछले वाले वीडियो जो तीज के बारे में वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो जाकर तीज के बारे में वीडियो देखिए, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो देखिए, ताकि कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखिएगा तो कम समझ में आएगा, और यो देख वो वीडियो देखने के बाद देखिएगा तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले होता है माउथ से मुंह में, तो मुंह में सबसे पहले क्या होता है? तो मुंह के जब क्रिया होता है तो मुंह में जब ऑन एथी आता है, जब उस कुछ खाते हैं तो मान लीजिए ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये कि अन्न माउथ में आया, माउथ को भी, माउथ भी है, उसे वोकल कैविटी भी बोलते हैं, समझ गए ना, माउथ के ही वोकल कैविटी बोलते हैं। माउथ में आया तो इसमें दांत आगे होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले एक फिजिकल क्रिया होता है, उसके बाद केमिकल क्रिया होता है। फिजिकल क्रिया मतलब मार धार, कोई आया अब दांत मतलब जो खाए वो आया, दांत पर आया, उसको किचल कुचल के किचल दिया, अगर तो क्या हुआ? मार धार हुआ, क्योंकि वो फिजिकल क्रिया हो रहा है। क्या कौन सा क्रिया हो रहा है? वह फिजिकल क्रिया हो रहा है। और उसके बाद जब वो कुचल देता है मतलब छोटे कॉम्प्लेक्स जटिल एथी को, जटिल पदार्थ को मतलब जटिल सामान को छोटे कॉम्प्लेक्स सरल चीज में कन्वर्ट कर देता है, वह किसका काम होता है? दांत के काम होता है। और उसके बाद आता है केमिकल। केमिकल केमिकल क्रिया का होता है जो एसिड अटैक होता है, केमिकल क्रिया जो हमारे जैसे शरीर में बहुत सारे लाल होते हैं मतलब मुंह में लाल होते हैं, उसी के वजह से एकदम आप खाते हो, देखिएगा आप रोटी खाते होते होंगे ना तो चिपचिपाहट की तरह होगा, पूरा सनल जाता है, तो वो क्या होता है? केमिकल क्रिया होता है।
हो, केमिकल क्रिया हो गया, फिजिकल केमिकल क्रिया हो गया, एक केमिकल क्रिया हो गया। अच्छा, फिजिकल केमिकल क्रिया तो सब दांत होता है, इसे पहले वाले वीडियो में जाकर वह देख लीजिए ताकि बहुत अच्छा से समझ में आएगा। केमिकल क्रिया में आते हैं, चलिए केमिकल क्रिया में क्या क्या होता है ये आते हैं। केमिकल क्रिया में चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में अब आता है सलेबली ग्लैंड। सलेबली ग्लैंड में क्या होता है, सबसे आता है, सबसे पहले आता है पैरोटिक ग्लैंड। सलेबली ग्लैंड में क्या आता है, सलेबली ग्लैंड में सबसे पहले आता है पैरोटिक ग्लैंड। पैरोटिक ग्लैंड आता है, सेकेंड में आता है मैंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड में आता है सबलिंग उगल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड होता है थर्ड में, सबसे बड़ा होता है पैरोटिक ग्लैंड, सबसे बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए यह ग्लैंड है, यह ग्लैंड है तो यह सबसे बड़ा ग्लैंड होगा। ये मान लीजिए ये छोटा सा ग्लैंड है, ये छोटा, ये मान लीजिए ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड, लेकिन सबसे बड़ा ग्लैंड कौन होगा, पैरोटिड ग्लैंड होता है। सबसे बड़ा ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होता है, समझ गए, पैरोटिड ग्लैंड में, समझ गए। अच्छा, ये तो समझ गए पैरोटिड ग्लैंड, ये जब देखें एक पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है मम्स नामक बीमारी। पैरोटिड ग्लैंड होता है जब मम्स नामक बीमारी होता है, जैसे हम लोग गलसोत कहते हैं अपना भाषा में, यहाँ पे गलवा फूल जाता है, किस पैरोटिड ग्लैंड के एथी में, ग्लैंड में रहता है मम्स। वो मान लीजिए कोई जहरीला सांप होता है ना, तो सांप जो काटता है ना तो उसका विष कहाँ पे रहता है, वो भी उसका विष पैरोटिड ग्लैंड में ही रहता है। सांप को काटे देखिए ना, जो सपेरा वपेरा रहता है उसमें सांप न रहता है, जहर नहीं रहता है, उसका पैरोटिड ग्लैंड में के जो एथी रहता है ना वो निकाल दिया रहता है, जहर जो ग्लैंड रहता है वो निकाल दिया रहता है, इसी कारण वह सांप के अंदर जहर नहीं रहता है। और सबसे बड़ा ग्लैंड भी होता है, अभी पैरोटिड ग्लैंड भी सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और ये दोनों छोटा ग्लैंड होता है, जैसे इस तरह ये ग्लैंड इस तरह, इसका मिली ज्यादा काम नहीं होता है, सबसे ज्यादा काम ये इसी का होता है, जो इसके बारे में जान लेते हैं, समझ गए। अब आते हैं इसके बाद सलेबली ग्लैंड आता है, अब इसके बाद आता है सलीवा ग्लैंड। सलीवा ग्लैंड में क्या होता है, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए आता है सलीवा ग्लैंड, उसमें पाया जाता है सलीवली ग्लैंड, अब आता है सलीवा ग्लैंड। सलीवा ग्लैंड में क्या होता है, सलीवा ग्लैंड में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। सलीवा ग्लैंड में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। टाइलिन का क्या काम है, टाइलिन का और डाइस्टेज का काम एक ही होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है टाइलिन, यहाँ पे क्या है लाइसोसोम्स, डाइस्टेज सॉरी, यहाँ पे क्या है लाइसोसोम्स। टाइलिन और लाइसोसोम्स का क्या काम रहता है, टाइलिन और लाइसोसोम्स का काम रहता है फेथी बनाना, इसको बोल सकते चोकर, चोकर इसके देहाती भाषा में हम लोग चोकर ही कहते हैं, जैसे कि इसका इंग्लिश नेम हो गया स्टार्च। इंग्लिश नेम क्या हो गया, इंग्लिश नेम इसका स्टार्च हो गया, इसको चोकर ही बोलते हैं देहासी भाषा में। जैसे अगर टाइलिन और डाइस्टेज नहीं रहेगा ना तब भोजन पचेगा ही नहीं, ये इसका क्या होता है, अगर देख लीजिए स्टार्च, अगर आटा का रोटी खाते हैं, गेहूं में जो पिसा जाता है आटा उसमें चोकर पाया जाता है, तो उसी के लिए पच भी जाता है, हम वो भोजन रहता है वो पच जाता है। अगर विश्वास ना हो तो चेक कर देखना हो तो देख लीजिएगा, आप मैदा के आटा खा लीजिएगा, मैदा के जो कुछ भी खा लीजिएगा, मैदा के पूरी वोरी चाहे रोटी वोटी खा लीजिएगा, अगर 5 गो रोटी खाते हैं तो देखिएगा बिहान से लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मान लिया क्या है, उसमें स्टार्च की मात्रा ही नहीं रहेगा, जब स्टार्च की मात्रा नहीं रहेगा तो वो खाना पचेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम रहता है, तो टाइलिन और डाइस्टेज का काम लगभग सेम रहता है। एग्जाम में हालांकि सबसे ज्यादा टाइलिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी रखना अच्छी बात रहती है, जरूरी बात है। अब आते हैं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का क्या काम रहता है, लाइसोसोम्स का काम होता है जर्म्स, कीटाणु, जर्म्स है कीटाणु। देखिए लड़कों से में छोटका बच्चों से में लाइसोसोम की मात्रा बढ़ जाता है, क्यों वो ना देखते हर लड़कों से लेर चुआते लार चुआते रहता है, क्यों लार में लाइसोसोम पाया जाता है जो कीटाणु को मारता है। अगर देखते हैं ना कोई गाय में बच्चा देती है
वो एक हफ्ता लिए बच्चा को चाटते रहते हैं, क्यों? वो उसको वह बाया माँ है ना, क्योंकि वह माँ है अपनी बच्चा को बचाना चाहती है, समझ गए ना? इसी कारण वह हफ्तों तक चाटते रहती है, जो उसके अंदर जम्स आएगा वह उसके जैसे कि थूक में लार में रहता है, थूक में क्या रहता है, लाइसोजोम रहता है, जब वह चाटेगी तो उस पर थूक सटेगा, जो कीटाणु रहेगा वह मर जाएगा। तो वो सब कहता है ना, तो साइंस तो गाय सब तो साइंस जानती ना है, लेकिन क्या होता है ना, साइंस जानती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकती है, वो चाट कर ही बचाती है, क्योंकि वो कीटाणु को मार देती है, समझ गए ना? क्यों चाटती है? देखिए कुत्ता होता के घाव होगा इधर उधर ना, सिर्फ ऐसा जगह पर वो नहीं चाट सकता है जिसके वहां पे मोह ना पहुंच, इधर उधर जगह चाट के ठीक कर लेता है कुत्ता सा घाव हुआ, समझ गया? अगर खोपड़ी ओपड़ी में हो जाता है ना तो न होता है घोगा, क्योंकि वहां पर उसका जीव ही नहीं पहुंचेगा, समझ गया? लाइसेंस हम क्या काम रहता है। और आते हैं लार, बच्चों सबके लार, मतलब मनुष्य के इंसान एक दिन में सीधा लिख देते हैं, 1 days में 1/5 kg सलीवा होता है, सलीवा सलीवा यानी लार, 1.5 kg लार बढ़ता है बच्चों समय, 1.5 kg से भी ज्यादा लार बढ़ता है, क्योंकि वह लार के एक बोल सकते हैं नेचुरल सैनिटाइजर होता है, जो देखते हैं ना लड़कों से बचवा से इस तरह पूरा लगा लिया तो कीटाणु को मारता है लार। इसका ओरिजिनल काम होता है जम्स को, कीटाणु को मारना, जैसे कि खाना में अगर कुछ खाए अगर हाथ गंदा रहे तो कीटाणु वोटाणु चल जाता है, फिर खाए तो इसका क्या काम रहता है, तो लाइसोजोम ही पूरा कीटाणु को मारता है, समझ गया? कीटाणु का लाइसोजोम्स का क्या काम रहता है, अच्छे लाइसोसोम्स का क्या काम होता है जान गए। अब एक और होता है जिसका नाम है म्यूलिन, अभी बताते हैं। चलिए एक म्यूलिन का भी क्या काम रहता है, म्यूलिन का मिली कोई काम नहीं रहता है, म्यूलिन का काम रहता है सिर्फ चिपचिपाहट बनाना ना, इंग्लिश में भी लिख देता है मायोलिन, इंग्लिश में बोलते हैं मायोलिन, मायोलिन इंग्लिश में उसका क्या काम है, सिर्फ इसको खाना को चिपचिपाहट बनाता है, चिपचिपाना चिपाना चिपचिपाना, जैसे खाना को चिपचिपाहट बनाता है, लुब्रिकेंट कह सकते हैं, जैसे लपल लपल ना कह सकते, लुब्रिकेंट होता है चिपचिपाहट, इज अ फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट, एक लुब्रिकेंट का फॉर्म होता है क्या, चिपचिपाना, समझ गए ना? वो खाना को चिपचिपा, अगर खाना देखते हैं ना कोई सड़क खाना अटक जाता है, क्यों अटकता है खाना, अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाना अटक जाता है, क्यों अटक जाता है, खाना में को चिपचिपाहट नहीं बनाता है। अगर आप मान लीजिए रोटी वोटी खाते हैं तो उगल के देखिएगा ना, हाथ पर रख कर देखिएगा तो उसमें एकदम सलीवा एकदम उसका लार एकदम भी ही रहेगा, वो म्यूलिनो रहता है उसमें, म्यूलिन ही म्यूलिन का ही काम होता है एकदम चिपचिपाहट बनाना, तो अभी तो लार पिछलता है तब जाता है, हाली हाली खाइएगा तो अच्छा से मिलता नहीं है, बस कोई कोई खाना होता है थोड़ा कम मिला बस अटक गया, वह सटे रखता है, समझ गया? और क्या इसका क्या काम रहता है, अब आते हैं इसके आगे, अब इसके आगे भी आते हैं, चलिए इसके आगे जानते हैं क्या है इसका काम, ये सब तो जान गए। अब इसके आते हैं इपिग्लोटिक्स, खाना तो यहां तक केमिकल एंड फिजिकल क्रिया तो हो गया खाना को, अब आते हैं उसको, अब रास्ता आते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आएगा इपिग्लोटिक्स, मान लीजिए इस तरह रास्ता है, इसको इस तरह रास्ता है, ये मान लीजिए फूड पाइप, विंड पाइप लिख देते हैं, विंड ये फूड पाइप, ये विंड पाइप और फूड पाइप, अब आते हैं यहाँ पे खाने, तो फूड पाइप पे नहीं विंड पाइप आगे रहता है, जब यहाँ से काम हो गया फिजिकल एंड केमिकल काम हो गया तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे फूड पाइप पीछे रहता है और विंड पाइप आगे रहता है, इसीलिए कोई आदमी को नटी दाब दीजिएगा तो थोड़ा ही दाबने में आदमी को सांस चढ़ने लगता है, रोकने लगता है सांस, क्योंकि विंड पाइप आगे रहता है, फूड पाइप इसके जस्ट पीछे रहेगा, मान लीजिए ये विंड पाइप है तो विंड पाइप ये हो गया और यहाँ पे इसके पीछे जस्ट एडजस्ट करते हैं, ये फिगर तो बनता है नहीं तो इसको फिगर को एडजस्ट करते हैं, इसके जस्ट पीछे रहता है, इसको ये बोलते हैं विंड फूड पाइप, इसको बोलते हैं विंड पाइप, ये फूड पाइप हो गया, ये विंड पाइप रहता है, समझ गए?
इसी तरह फूड पाइप और विंड पाइप, यहाँ पे एक एथी रहता है, यहाँ पे क्या लिखे है, इपिग्लोटिक्स, यह काम रहता है इपिग्लोटिक्स, इसका नाम रहता है इपिग्लोटिक्स का क्या काम रहता है, तो इपिग्लोटिक्स का काम रहता है खाना को अगर फूड पाइप में भेजना और हवा को विंड पाइप में भेजना, यही दरवाजा का काम करता है क्या, तो इपिग्लोटिक्स ही दरवाजा का काम करता है, इसीलिए बोला जाता है ऐसे ना देखते हैं कोई खाने के समय बोला ना जाता है, क्यों खाने के समय क्यों नहीं बोला जाना चाहिए, मालूम है जो मेरा ब्रेन ही मतलब आप सबका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है जब खाते हैं, तो खाते खाने के समय बोलिएगा तो कंफ्यूज हो जाता है ब्रेन, तो वो मैसेज किसे पहुंचाएगा, एपिग्लोटिक्स कैसे फूड पाइप खोले कि विंड पाइप खोले, तो खा रहे हैं तो फूड पाइप ही खोला, ऐसे चुपचाप नहीं खा रहे हैं तो जाने कैसे ये खा रहा है तो इसको फूड पाइप खोलेगा, अच्छा ऐसे बोल रहा है खा रहे हैं तो जाने बोल रहे बतिया रहा है तो विंड पाइप ही खोल के रखेगा, तो विंड पाइप में घुस जाता है, इसी होता है हिचकी आता है, बार बार रिवर्स मारता है ना, ये मान लीजिए फूड पाइप इधर आ गया तो इधर आ गया, तो ये तो रास्ता है विंड पाइप के, यहाँ पे आ गया फूड पाइप, तो इसमें भोजन आ गया तो यही रिवर्स मारता है तो हिचकी आता है, हिचकी इसी के कारण आता है, समझ गए ना, फिर उसमें इसको इसमें आके इसलिए बोल जाता है हिचकी आता है, पानी पियो, पानी पिएगा ना, फिर इसमें आता है अगर मान लीजिए यहाँ पर खाना है, यहाँ पर इधर से यह प्रेस किया था खाना यहाँ पर आया और यहाँ पे आप पीने पानी पीजिए, तो इसमें आके इस बारे भूल के चला जाता है, पिछलने लगता है, इसी के लिए यह चला जाता है, इपिग्लोटिक्स के काम समझ गए, फूड पाइप को, फूड पाइप को, फूड पाइप को भी एक नेम बोलते हैं, फूड पाइप को ओसोफेगस भी बोलते हैं, ओसोफेगस, ओकोफेगस भी बोलते हैं, ओकोफेगस, ओसोफेगस भी फूड पाइप को बोलते हैं, ये हो गया इतना तक तो सब कोई जान गया, चलिए अब इसके आगे आते हैं, जब यहां से खाना आता है आगे तो क्या होता है, जब यहां से खाना आगे आता है तो मान लीजिए ये हो गया ना, अच्छा ये आगे क्या है, ये एलिमेंट्री कैलान है, इसको सब बोल सबको बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में निकाल देंगे और सब कुछ बता देंगे, समझ गए, ये किस चीज से बना रहता है, तो मसल से बना रहता है, मसल से कैसे बना रहता है, मसल से बना रहता है, जब भोजन आता है तो यह एक्सपेंड होता है, आगे से एक्सपेंड होगा, मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे भोजन है तो यह मसल्स का बना रहता है, जिस तरह रबर ना रहता है तो उसी तरह रहता है, यहाँ पे भोजन है तो यहाँ पे फैल जाएगा, यहाँ पे भोजन है तो क्या होगा एक्सपेंड हो जाएगा, इस तरह है तो यहाँ पे भोजन आया तो ये एक्सपेंड हो गया, अब पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सिकुड़ना, या पीछे से सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, और उसी का जो बचा रहेगा वह एथी हो जाएगा, एक्सटेंड एक्सपेंड हो जाएगा, या फैल जाता है, इसी तरह जाता है, नहीं तो इतना पतला में मान लीजिए उतना भोजन खाते हैं, मतलब इतना इतना मोटा तो कैसे जा सकता है, कैसे चला जाता है, मान लीजिए इतना मतलब पतला ही बहुत ज्यादा पतला पाइप रहता है, ज्यादा पतला भी नहीं कह सकते, मतलब मेनली ठीक ठाक पतला रहता है, लेकिन उसमें अगर वह नहीं एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होकर तो उसमें भोजन जाएगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर भगवान जी ने बहुत सोच समझ कर हम लोग कितना तेज थे बताइए, ये तो एक्सपेंड होता है, इधर से कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, इधर से एक्सपेंड होते जाएगा, तो मान लीजिए इधर भोजन आया तो एक्सपेंड होगा तो ये इस तरह हो जाएगा, अब पीछे से भोजन इधर आया यहाँ आया तो इधर से क्या हो जाएगा इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर एक्सपेंड हो रहा है उधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी तरह क्या किस में आता है, इसी तरह डायरेक्ट स्टोमक में आता है, स्टोमक, और स्टोमक में आता है तो उसका क्या काम रहता है यह जानेंगे किस में, तो अगले वीडियो में, अच्छा स्टोमक को हम लोग जे से भी बोलते हैं, स्टोमक मेनली इस तरह भी रहता है, यहाँ पे अभी बनिन अच्छा से नहीं बन रहा है, स्टोमक मेनली इस तरह कह ही सकते हैं, इस तरह मान लीजिए यह स्टोमक है, यह किस शेप के रहता है, तो स्टोमक के रहता है जे शेप के रहता है स्टोमक, स्टोमक के अंदर क्या क्या काम रहता है ये जानेंगे अगला वीडियो में, अच्छा ये सब तो जान गए तब फिर जानेंगे अगला वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना भी ना भूले, समझ गए, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।